एक शादीशुदा लड़की की पहचान उसके सिंदूर और मंगलसूत्र से कर सकते हैं, लेकिन लड़के की शादी की पहचान कैसे? तेज होगी तो बच्चे होंगे, सोचो उसकी शादी हो चुकी है, मोटे हो जाते हैं लड़के। परेशान करेगी घर वाली तो उसका चेहरा देख गिरा हुआ देख पता चल जाएगा भी शादी शुदा उसके लगाई गाली देगी उसके आस पास रह के। मेरे को अंदाजा लगा लो मैं शादी शुदा हूँ उसके चेहरे से। ये तो नहीं हुआ जवाब। महीने का ढंग नहीं है तो खर्चे बढ़े, अपने खर्चा बचाता हूँ। नमस्कार, मैं शबनम और आज की हमारी पहेली है एक शादीशुदा लड़की की पहचान उसके सिंदूर और मंगलसूत्र से कर सकते हैं, लेकिन लड़के की शादी की पहचान कैसे होगी? जानते हो तो जवाब दो, तब तक हम औरों से जानते हैं। लड़की की पहचान उसके सिंदूर और मंगलसूत्र से कर सकते हैं, लेकिन लड़के की शादी की पहचान कैसे होगी? आई डोंट नो, आप बता दीजिए। आई एम नॉट सी, कुछ तो होगा मैम, आप बता। शादीशुदा लड़की की पहचान उसके सिंदूर और मंगलसूत्र से कर सकते हैं, लेकिन लड़की की शादी कैसे होगी? कैसे होगी सर? अंगूठी डाल के। अंगूठी और क्या? अंगूठी तो जब सगाई होगी तभी तो डलेगी, तो पक्की अंगूठी डलनी पड़ी है। बस और कुछ नहीं है। शादीशुदा लड़की की पहचान उसके सिंदूर और मंगलसूत्र से कर सकते हैं, लेकिन लड़के की शादी की पहचान कैसे होगी? कैसे होगी? साथ पेट से होगी सर। लड़के की कैसे होगी? मुझे तो पहचान नहीं है, लड़के की पहचान कैसे होगा? पता नहीं मुझे तो कैसे पहचान होगा उसके चेहरे से। सर आप बताइए। भाई जवाब हमने सुना से लिया होगा। एक्चुअली इसके लिए चेहरे से पता लग जाता है, क्योंकि जिम्मेवारियाँ जब आती है ना इंसान के ऊपर, जब अनमैरिड होता है तो वो हंसता खेलता हुआ मिलेगा, लेकिन जब उसके ऊपर जिम्मेवारियाँ पड़ती हैं परिवार की या उसके बीवी बच्चों की, उसे पता लग जाता है। बाकी अदरवाइज सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। आपने यही क्यों सोचा सर? एक्चुअली मैं भी एक मतलब मैरिड हूँ और एक इस यंग एज में हूँ अभी, तो आप हंसना भी रहे हो। नहीं हंसना तो नहीं बोल सकते, बट ये देखो जब हमारी लाइफ चलती है तो उसमें सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं, और ये नहीं है कि हम मतलब अब जैसे कि लड़का पहले मतलब सिंगल होता है फिर उसकी शादी होती है, जिम्मेवारियां तो हंसता भी है लेकिन जिम्मेवारियां भी जरूरी होती है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, तो हम आपको इनाम जवाब नहीं दिया, सब ने दिया, कोई बात नहीं, काउंसलर को मेरा सुना। मैम आपका ज्योति की पहचान उसके सिंदूर और मंगलसूत्र कर सकते हैं, लेकिन लड़के की शादीशुदा की पहचान कैसे होगी? कैसे होगी सर आप बताओ? लड़के की शादी कैसे होती है? पता नहीं। चलो लड़के की शादी आप बता दीजिए। हमें तो पता नहीं चीज़। लड़के तो सीधा ही सिंपल रहते हैं, अब लड़कियों को तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत। नहीं नहीं कैसे पता पहचान तो होती है उनकी भी। क्या आप तो मोटे हो जाते हैं लड़के? नहीं तो इनाम पाओ। मेरे को आप बता दीजिए जवाब दो ना पाओ। एक शादीशुदा लड़की की पहचान उसके सिंदूर और मंगलसूत्र से कर सकते हैं, लेकिन लड़के की शादी की पहचान कैसे? मेरे जैसे पहचान कर लो, मैं शादीशुदा हूँ, ऐसे में रुड़ा हुआ हूँ, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कोई पहने का ढंग नहीं है, तो खर्चे बड़े अपना खर्चा बचाता हूँ, तो मेरे को अंदाजा लगा लो मैं शादीशुदा हूँ। तो शादी हो जाती है तो खर्चे बच जाते हैं। हाँ, खर्चे भी जब बचाने पड़ते हैं। नहीं बचाने नहीं पड़ते, फिर जिंदगी में जीने का क्या मजा? एंजॉय भी जरूरी है लेकिन बच्चों के लिए करना भी पड़ता है, तो ये अंदाजा लगा लो मैं शादीशुदा हूँ। चलो ठीक है, पढ़ लीजिए मैम। उसके इधर होगी तो बच्चे होंगे, सोचो उसकी शादी हो चुकी है। मैम शादी होती है तो बच्चे इधर उधर नहीं होंगे ना। ये तो नहीं हुआ जवाब। मतलब आदमी की पहचान कैसे होगी? हाँ। शादीशुदा
उसके लगाई गाली देंगे उसके आस पास रह के। मुश्किल है सर, आप बता दीजिए। ये बताएगा बेटा मेरा? नहीं आप बता दीजिए। बताएगा ना जब भी है उसके मायूस चेहरे से परेशान करेगी घर वाली, तो उसका मायूस चेहरा देख गिरा हुआ देख पता चल जाएगा कि ये शादी शुदा। सर परेशान करती है मैडम आप? करती है सर, तो सामने ही कह रहे हैं। वही तो कह रही हूँ, जो परेशान आदमी दिखाएगा वो शादी शुदा, ये तो हंसता हुआ दिखेगा वो। चलो ठीक है जी, तो हमने सभी से जाना, अगर आप भी जानते हो तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे अगले शो के लिए भी जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।